वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हमारे पास ये दो पार्सल आया है, दोनों ही पोस्ट ऑफिस से आए थे। तो ये एक छोटा पार्सल है जिसके अंदर एक कार्ड भेज दिए है। ये पार्सल हमारे पास भेजे हैं महारूप मंडल जी ने, जो रहते हैं वेस्ट बंगाल, रामजीवनपुर वेस्ट बंगाल से भेजे है। और ये पार्सल यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तो ये मेरा एड्रेस है और ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी है। और ये पार्सल हमारे पास भेजे है गोपाल चंद्र जाना, ये भेजे है वेस्ट बंगाल पूर्व मेदिनीपुर। तो ये दोनों ही पार्सल हमारे पास रिसीव हुआ है वेस्ट बंगाल से और मैं भी रहता वेस्ट बंगाल में। तो चलिए दोनों पार्सल को ओपन करके देख लेते इसके अंदर कौन सा सेट टॉप बॉक्स भेजे है रिपेयर के लिए। इसके अंदर तो कार्ड लग रहा है, तो इसको ही पहले खोल के देख लेते हैं इसके अंदर कौन सा कार्ड भेजे हैं। तो इसके अंदर ये एक ZX का कार्ड है, ZX6605S वर्जन 2.1 का एक कार्ड भेज दिए है। आप देख लेते हैं इस पार्सल के अंदर क्या है। इस तरफ से खोल लेते हैं। तो उसके अंदर ये एक सॉलिड का बॉक्स है, सॉलिड 7272DLX। तो ये एक ZX का कार्ड और एक सॉलिड 7272DLX का सेट टॉप बॉक्स, ये दो सेट टॉप बॉक्स रिसीव हुआ है। तो चलिए इस दोनों को एक बार टीवी में लगा के हम चेक कर लेते इसमें क्या प्रॉब्लम है, फिर जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सही करेंगे। तो आप वीडियो पूरा देख जाइए। तो चलिए इस कार्ड को और इस सेट टॉप बॉक्स को टीवी के साथ लगा के हम पावर दे के देखते ये चालू है कि नहीं है। तो सबसे पहले इस कार्ड को चेक कर लेते। तो यहाँ पर HDMI कनेक्ट कर देते हैं, आप इसमें दे देते पावर। पावर तो दे दिए लेकिन टीवी स्क्रीन पे तो कुछ भी नहीं आ रहा है, ये चालू नहीं है। अभी ये जो सॉलिड एक 7272DLX का सेट टॉप बॉक्स, इसको चेक कर लेते। तो यहाँ पे HDMI कनेक्ट कर दिया है, अब इसमें दे देते पावर। तो यहाँ पे तो रेड लाइट जल रहा है और टीवी पे बूट लोगो भी आ गया है। यहाँ पे ऑन बता रहा है लेकिन टीवी स्क्रीन पे बूट लोगो आने के बाद कुछ भी नहीं आ रहा है, बटन प्रेस करने से भी कुछ भी नहीं आ रहा है। एक बार दोबारा देख लेते। रेड लाइट, बूट लोगो, या फिर ऑन आके फिर टीवी स्क्रीन से पिक्चर गायब हो रहा है। तो इस तरह प्रॉब्लम है, इसमें सॉफ्टवेयर का भी प्रॉब्लम हो सकता है या फिर हार्डवेयर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको एक बार सॉफ्टवेयर करके देख लेते कि ये सॉफ्टवेयर करने से सही होता है कि नहीं। तो इस सेट टॉप बॉक्स को हमने खोल लिए हैं, अब इसका ये जो मेमोरी ऐसी है इसको निकाल के इसके अंदर हम सॉफ्टवेयर करेंगे। एक बार सॉफ्टवेयर करके देख लेते ये सॉफ्टवेयर करने से सही होता है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर सॉफ्टवेयर का ही प्रॉब्लम लग रहा है। तो एक बार सॉफ्टवेयर कर लेते इस IC को निकाल के प्रोग्रामर से। तो दोस्तों इस सेट टॉप बॉक्स और ये कार्ड में सिर्फ सॉफ्टवेयर का ही प्रॉब्लम था, सॉफ्टवेयर करने से ये दोनों बॉक्स बिल्कुल ओके हो चुका है। तो चलिए अब आपको मैं एक एक करके चला के देखा देता हूँ। तो सबसे पहले इस कार्ड को ही देखा देते। यहाँ पे पावर दे दिए हैं और देख सकते ये वाला इसके अंदर सॉफ्टवेयर डाले हैं। और इसके सामने एक फ्रंट पैनल भी लगा के आपको दिखा देते, एक देख सकते ये फ्रंट पैनल पे नंबर भी आ रहा है। ये इसके मेन मेनू है, ये वाला सॉफ्टवेयर अभी इसके अंदर डाल दिया है, इसके ऊपर कोई भी सॉफ्टवेयर कर सकते हैं।
ठीक है। अब ये सॉलिड का 77 DLX, इसको भी आपको चला के दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं ये भी ऑन हो चुका है। इससे पहले मेनू नहीं आ रहा था, सिर्फ बूट लोगों के रुक जा रहा था, और अभी देख सकते हैं इसके अंदर कुछ ये वाला सॉफ्टवेयर किए हैं तो ये बॉक्स भी सही हो गया है। तो हमारे पास ये जो एक कार्ड और एक सेटर बॉक्स आए थे दोनों को ही सही कर दिया है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई बॉक्स में प्रॉब्लम हो रहा है उसको सही करना चाहते तो आप हमारे एड्रेस पर भेज सकते, और यहाँ पे ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, कोई भी जानकारी या सहायता के लिए कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पूरा देखने के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।